नमस्कार दोस्तों, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में सब्जियां अच्छी नहीं आती हैं, तो कोई सब्जी अगर पसंद ना आए तो हम बनाएंगे आज बेसन की सब्जी। तो ये बेसन की सब्जी की जो रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो चलिए बनाते हैं। तो क्या करना है, ये एक कटोरी हमने बेसन ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हींग, दो चम्मच ऑयल और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो बेकिंग सोडा डाल दें थोड़ा सा, दो चुटकी। सभी चीज़ों को डाल के मिक्स कर देना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो देखिए गाइस, हमने ये इस तरह का डो लगा लिया है, जैसे हम चपाती बनाते हैं उस तरह का आटा गूंथते हैं, उसी तरह का डो लगा के तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक पेंसिल लिए, इसको हम ग्रीस कर लिए हैं, और ये जो ये डो हमने लगाया है इसके हम चार लोई तोड़ लेते हैं, इस तरह से चार पेड़े बना लिए हैं, और इस तरह हाथ पे रख के इस तरह फ्लैट कर लेना है इसको। और इस तरह पेंसिल लगा के इसको इसके इस तरह दबा देना है इसको। इस तरह दबा लेना है। इसी तरह हम बनाकर तैयार कर लेते हैं सभी को। तो देखिए गाइस, ये बन गया है। अभी क्या किया है, ये गैस पे हमने पानी बॉईल करने रख दिया था पहले से, तो ये पानी बॉईल हो चुका है, अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। अब इसमें ये जो रोल हमने बनाए थे इनको डाल देते हैं। पानी में बॉईल ना आए तब तक नहीं डालना है, जैसे ही उबाल आ जाए पानी में उसके बाद ही इनको डालना है। और इनको ढककर कम से कम 7 से 8 मिनट तक बॉईल होने देना है। अब क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने दो हरी मिर्च ली है, एक बड़ी प्याज ली है, उसको कट कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तो इसमें हमने 6-7 लहसुन की कलियां डाल दी हैं, 8-10 लौंग डाल दी हैं, 8-10 काली मिर्च डाल दी हैं, एक बड़ी इलायची है और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच पीली वाली सरसों, अगर आपके पास पीली वाली ना हो तो आप 2 चम्मच काली वाली सरसों डाल दें, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लें, इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो गाइज, हम पेस्ट बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक कटोरी लिए तो उसमें हम कम से कम 3 चम्मच से 4 चम्मच दही लेंगे, अगर थोड़ा खट्टा हो तो 3 चम्मच लें, अगर कम खट्टा हो तो 4 चम्मच ले सकते हैं। तो इसमें हमने 3 चम्मच दही ले लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे एक कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च रेगुलर वाली, और 2 चम्मच बारीक पिसा हुआ धनिया। सभी मसालों को मिक्स कर देते हैं। तो देखिए गाइस, ये मिक्स हो गए हैं मसाले। अभी थोड़ा ये हमको थिक लग रहा था तो हमने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच लगभग पानी डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये कढ़ाई को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बॉयल हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर और इनको ठंडा करके इनको कट कर लेंगे। और ये पानी जो है, पानी को फेंकना नहीं है, पानी को हम रख लेंगे जो हमें ग्रेवी के लिए काम आएगा।
तो देखिए इस तरह हमने पीसेस में कट कर लिए हैं इनको, इस तरह लंबे लंबे पीसेस हमने कट किए हैं। अभी कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, ये सरसों का ऑयल है, तो इसमें हम डालेंगे ये 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता और थोड़ी सी हींग। तो जीरा चटकने देते हैं, तो जीरा चटक गया है। अभी क्या करेंगे, अभी हमने जो मसाला पीस के रखा था, पेस्ट बनाया था प्याज का, उसको हम इसमें डाल देते हैं। तो ये मसाला डाल दिया है, अभी क्या करेंगे, इसको हम कम से कम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुकोने देना है इसको। तो देखिए इसको कुकोते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो ये मसालों का पेस्ट बनाया है उसको हम इसमें डाल देते हैं। और इनको मिक्स कर देना है इससे चलाते हुए, इसको बराबर चलाते रहें। तो देखिए गैस, अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इसको मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वो तो ज़रूर डालें। अब हम इसको ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो देखिए इसको कुक होते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे हम ये जो हमने पीसेस कट करके रखे थे उनको हम डाल देते हैं, और अच्छे से मसाले में इनको कोट कर देना है। तो देखिए ये मसाले में हमने कोट कर दिया। अब इसी तरह ढक के कम से कम इसको 1 मिनट तक बनने देना है। तो ये 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें ये जो पानी हमने रखा था निकाल के वो डाल देते हैं। और इसको हम कम से कम 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट तक मिनट के लिए इसको बनने देते हैं सब्जी को ढककर। तो देखिए इसमें हमने लिड लगा दी है, अब ये 4 मिनट बाद देखेंगे। तो देखिए गाइस, ये सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर कोई सब्जी ना हो घर पे तो ये चटपटी सब्जी आप बनाकर एक बार ज़रूर तैयार करें। जो लोग नॉन वेज खाते होंगे उन्हें बहुत ही पसंद आने वाली है ये सब्जी, इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।